रात का समय है, इस वक्त 11:15 बज रहे दोस्तों, और हम औरंगाबाद में हैं। हमारे कुछ साथियों के साथ यहाँ पर सांप रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। क्या ओनर का नाम क्या है? राजू। कौन बघितला साप? हा तुम्हीच बघितला काय? नाही, अचानक इथं कसं काय दिसला? इथं कसं काय दिसलं तुम्हाला? शटर बंद केलं, गप्प मारत म्हणजे आता हा तिथं होता जो इन्होंने मराठी में कहा। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिंकेट सब ज्यादा मिलते हैं, बेलगाम में तो कम है वो, लेकिन यहाँ पर जो सांप है उनको देखिए कितने, यहाँ पर हमें ध्यान देकर देखना पड़ रहा है, लेकिन उनको आसानी के साथ ही दिखाई दिया और अभी भी नहीं हिल रहा है। ट्रिंकेट यानी आभूषित सांप, और आज सुबह से ये दूसरा आभूषित सांप है यहाँ पर। एक तो पुलिस के यहाँ पर मेन सिटी में था या थोड़ी सी ओपन जगह है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मिलते ये कन्फर्म हो गया है। और ये छोटा सा बच्चा है, लगभग 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल का भी नहीं है ये, इसी सीजन का हो सकता है। और आभूषित सांप, ट्रिंकेट, और मराठी में इसको तस्कर कहा जाता है। आसानी के साथ और हमारे दोस्त यहाँ पर है सांप पकड़ तो हमें देखेंगे, लेकिन सर्प मित्र है, क्या नाम बताइए आपका? राजेंद्र पठान। ये जो सब दोस्त है उनको ये कॉल आया था दोस्तों, जो आप इनको देख रहे हैं, और औरंगाबाद में हम हैं, और सांप पकड़ने के बाद बाकी की बातें भी यहाँ पर करते रहेंगे। बॉम्बे का पुलिस को जरा एक बार औरंगाबाद पुलिस को बुलाओ। कुछ देर पहले इनको दिखाई दिया, हम नजदीक थे, और यहाँ पर दोस्तों मुझे ये सब लोग विदा करने के लिए औरंगाबाद से आए थे, जहाँ हम बेलगाम जा रहे हैं। अभी मेरी बस छूटने के लिए लगभग 11:30 बजने वाले, तभी उनको कॉल आया, और इनको कॉल आया था साथ में, इनको मैं यहाँ पर आ पाया, और सबके साथ ये बातें हम शेयर भी कर रहे हैं। और ये आपको, ये जो नए दोस्त हैं हमारे, काफ़ी अच्छी टीम है औरंगाबाद में, सब मिलजुल कर काम करते हैं, और यहाँ के लोग भी उतना ही सपोर्ट करते हैं, मतलब सांपों को मारने नहीं देते और खुद भी नहीं मारते, और उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचने के लिए एक रास्ता है, मतलब लोगों में अवेयरनेस हो कि हाँ ये कुछ नहीं करते, और है तो भी हमारे सर्प मित्र नज़दीक है, तो हमारे यहाँ पर तो इतना टीम वर्क नहीं है, हमें अकेले ही काम करना पड़ता है, बहुत कम लोग है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी टीम है। पूरे देश में, महाराष्ट्र में सर्प मित्रों की संख्या ज़्यादा है, पंजाब हो, गुजरात हो, यूपी, बिहार की बात है तो वहाँ पर सर्प मित्रों की संख्या काफ़ी कम है। ये सांप जो है आभूषित सांप है, जैसे मैंने पहले बताया है, इतना शांत नहीं होना चाहिए, रात का वक्त नेचुरली उसका ये रात में घूमने वाला होने के कारण एग्रेसिव भी हो सकता था, और छोटा बच्चा तो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही शांत है। और तस्कर सांप जो है, ये जो मराठी में तस्कर कहा जाता है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये किस प्रकार की स्मगलिंग कर रहा है, ये चूहों की स्मगलिंग करता है, मतलब चूहे ज़्यादा खाता है, चूहे इसका पसंदीदा खाना है, और रैट स्नेक के बाद ये एक ऐसा सांप है जिसको चूहे खाने के लिए घर में रहना ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये भी बिनविषैला होता है। जब ये काटने को आता है तो यस आकार बनाता है, अपने शरीर की रचना बनाता है और अटैक कर लेता है, जब उसको गुस्सा आया, उसको खतरा लगता है तब। और धामन की बात अलग है, वो सीधा मुंह पर अटैक कर लेता है। जैसे कि कुछ सांपों का मैं नाम लेता हूँ, तो घर में रहने चाहिए, उनसे कुछ खतरा नहीं है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सांप है, एक सुंदर जीव है। सर्प मित्र इकट्ठा होके इस काम में, हम तो यहाँ पर इसीलिए आए थे औरंगाबाद में कि सर्प मित्र एक साथ मिले और ये जो काम है सांपों को बचाने का आगे चलता रहे, और उनको लगा कि हमारा मार्गदर्शन ज़रूरी है। हम खुद को इतना बड़ा नहीं मानते, लेकिन उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर हमें बुलाया गया, राज्य स्तरीय जो यहाँ पर परिषद रखी गई थी पहली बार, तो ये हमारे लिए अच्छा अवसर बना, और हमें भी इस बात की खुशी है इतने सारे सर्प मित्रों को मिल पाए और उनकी कहानियाँ हम सुन पाए, उनकी व्यथा जो है, उनको क्या क्या दिक्कत आती है ये भी सुन पाए, और लोग भी इसमें आगे सपोर्ट करेंगे ऐसी उम्मीद यहाँ पर हमें दिखाई दी। यहाँ पर रुकते लेकिन सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।